नमस्कार छात्रों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लघु व्याकरण करने जा रहे हैं। तो लघु व्याकरण में आपका जो पहला विषय है वह है विलोम शब्द। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम विलोम शब्द करेंगे। तो विलोम शब्द में आपका पहला विलोम शब्द है अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बारिश, और अनावृष्टि की जो बारिश ही नहीं है बिल्कुल। अनुज छोटा भाई, अग्रज बड़ा भाई। अंदर बाहर, अनुकूल प्रतिकूल कि वो हमारे अनुकूल है, कि परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल है, और प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत। फिर है अंधकार प्रकाश। अनुराग विराग, के अनुराग किसी से मतलब किसी से प्रेम की भावना होना, और विराग मतलब कि मतलब बिल्कुल ही वियोग हो जाना एक तरीके से। अधिक मतलब ज़्यादा, और न्यून मतलब कम। अधिक ज़्यादा न्यून कम। अमृत विष, अनुरक्त विरक्त, और अर्थ अनर्थ। तो इस तरह से आपके कि क्या हैं, ये आपके विलोम शब्द हैं। दोबारा से एक बार हम पढ़ेंगे, अतिवृष्टि अनावृष्टि, अनुज अग्रज, अंदर बाहर, अनुकूल प्रतिकूल, अंधकार प्रकाश, अनुराग विराग, अधिक न्यून, अमृत विष, अनुरक्त विरक्त, और अर्थ अनर्थ। तो ये आपका क्या हुआ है, ये आपका मैंने करवाया है क्या, विलोम शब्द। अब है अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द कौन से होते हैं? अनेकार्थक शब्द वह शब्द होते हैं जिनका एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, और वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं। जैसे अंक, अंक होता है एक तो निशान, एक नंबर और अध्याय। कि अंक क्या होता है, निशान नंबर अध्याय, और एक और है गोद। गोद भी क्या, माँ की जो गोद होती है उसे भी हम अंक बोलते हैं। और नंबर भी क्या होता है, अंक, और अध्याय भी क्या होता है, जैसे नाटक का अध्याय तो अंक वन, तो वो क्या होता है, अंक। फिर है अंग। अंग क्या होता है, एक तो शरीर होता है कि हमारा शरीर के अंगों के नाम हम लिखते हैं शरीर। एक होता है अंश, अंश मतलब हिस्सा, और खंड मतलब टुकड़ा, और प्रभाग, ये सारे क्या है, अंग के अनेकार्थक शब्द हैं। फिर है अक्षर। अक्षर क्या होता है, वर्ण, जो हम बोलते हैं वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। तो जो आपके वर्ण है, जो कह कह गए हैं, वो क्या है, सारे अक्षर हैं। फिर है ब्रह्मा। ब्रह्मा कौन है, भगवान, जो भगवान है ब्रह्मा, उन्हें बोला गया है। और अक्षर होता है नित्य और सत्य क्या है, अक्षर है। फिर है अनंत। अनंत का मतलब क्या होता है, अनंत विष्णु, विष्णु को बोला गया है कि वो क्या है, अनंत है, मतलब उनका कभी अंत नहीं हो सकता। और अंतरहित का मतलब जो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता। फिर है आपका अंबर। अंबर क्या होता है, आपको पता होगा, अंबर एक तो होता है कपड़ा, वस्त्र, आकाश और बादल, ये क्या है, अंबर के अनेकार्थी शब्द हैं। अब आप देख रहे हो, एक शब्द तो क्या है, वस्त्र, और दूसरा है आकाश, बिल्कुल ही विपरीत हैं एक दूसरे के। फिर है अंतर। अंतर होता है, एक तो होता है भीतर, दूसरा है परस्पर, कि परस्पर क्या अंतर है दोनों में, और अंतर होती है दूरी और मध्यवर्ती, मध्य मतलब बीच वाला, कि जैसे मैं बोल दूँ मेरे और राम में यह अंतर है, तो वो क्या हो गया, मध्य। फिर है अमृत। अमृत एक तो दूध होता है, दूध को अमृत के समान माना गया है, और जल को भी, और सुधा, तो वो क्या है, अमृत। फिर है कनक। कनक क्या होता है, सोना, जो गोल्ड होता है उसे हम सोना बोल रहे हैं। धतूरा और गेहूं क्या है, वो कनक के अनेकार्थी शब्द है। फिर कर है हाथ, जो हमारा हाथ है उसे हम कर बोलते हैं। सूंड, किरण और टैक्स, जो हम सरकार को टैक्स देते हैं उसे भी हम कर कहते हैं। फिर है कल।
कल क्या होती है? कल होती है मसीन, मसीन आराम सुख और आने वाला कल या बीता हुआ कल। तो इस तरह से जो आपके अनेकार्थी शब्द हैं वह पूरे होते हैं। अब हम आएंगे मुहावरे की तरफ। मुहावरा क्या होता है? मुहावरा एक ऐसा वो होता है जिसका मतलब एक मतलब अलग मीनिंग होता है। जैसे अंग अंग ढीला होना, तो अंग अंग ढीला होना क्या होता है? बहुत थक जाना। अंग अंग ढीला होना बहुत थक जाना। फिर है अंगूठा देना, अंगूठा दिखाना, देना नहीं अंगूठा दिखाना। तो क्या होगा? कुछ देने से इनकार करना, कि जब आप किसी को कुछ मांग रहे हो और वो आपको अंगूठा दिखा रहा है तो कुछ देने से इनकार करना। फिर है अंधे की लकड़ी, तो अंधे की लकड़ी कौन है? एकमात्र सहारा। कि कहते हैं राम तो अपने माँ बाप की अंधे की लकड़ी है, कि मतलब वो अपने माँ बाप का क्या है? एकमात्र सहारा है। फिर है अकल का अंधा होना। क्या है बेटे? अकल का अंधा होना क्या है? बेवकूफ होना। अकल का अंधा बेवकूफ होना। फिर अकल मारी जाना, अकल मारी जाना क्या होता है? घबरा जाना। अकल मारी जाना घबरा जाना। फिर है अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना क्या होता है? अपना उल्लू सीधा करना होता है अपना मतलब निकालना। क्या होता है? अपना मतलब निकालना, अपना उल्लू सीधा करना। फिर है अपनी खिचड़ी अलग पकाना। अपनी खिचड़ी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग रहना। क्या होता है? सबसे अलग रहना। फिर है अपने पैरों पर खड़ा होना। अपने पैरों पर खड़ा होना क्या होता है? स्वावलंबी होना, स्वावलंबी या आत्मनिर्भर होना। तो इस तरह से आपके ये क्या करवाए हैं मैंने? मुहावरे करवाए हैं। अब हम लोक्ति की तरफ आएंगे। लोक्तियाँ क्या होती है? लोक्ति होती है, यह एक कहावत होती है। इसके पीछे जो ये कहावत बनी है सैकड़ों लोगों के अनुभव के आधार पर बनी है। जैसे है अंधी अंधी पीसे कुत्ता खाए। कि अंधी पीसे कुत्ता खाए मतलब एक कोई अंधा है जो इसे पीस रहा है और कोई आके इसे खा गया। तो क्या है? कमाए कोई और उपयोग कोई और करे। कि कमाए कोई और उपयोग कोई और करे। फिर है अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा कौन है? मूर्खों में थोड़ा समझदार होना। कि मूर्खों में थोड़ा समझदार होना कौन है? अंधों में काना राजा। फिर है आपका अधजल गगरी छलकत जाए। कि अधजल अधगल अधजल मतलब आधी भरी हुई जो गगरी है, मटका है, उसमें जब आप लेके चलते हो उसे तो वो छलकता है मतलब बाहर निकलता है। तो इसका क्या है? थोड़ा ज्ञान रखने वाला दिखावा अधिक करते हैं। कि जिसको थोड़ा ज्ञान होता है वह बढ़ चढ़कर बातें करते हैं, लेकिन जो ज्ञानी लोग होते हैं वह कुछ ज़्यादा नहीं बोलते हैं। फिर है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कि समय बीत जाने पर पछताना व्यर्थ है। कि सब खेत तो खराब हो गया और चिड़िया ने खराब कर दिया, तो अब पछताने का क्या फायदा? कि समय बीत जाने पर पछताना बेकार है। फिर है आँख का अंधा नाम नैन सुख। आँख का अंधा नाम नैन सुख। कि आँख का अंधा है और उसका नाम नैन सुख रखा है। कि नाम के विपरीत गुण। कि नाम तो उसका इतना अच्छा है लेकिन उसमें गुण कुछ ऐसा है ही नहीं। फिर है आम के आम गुठलियों के दाम। तो फिर इसका क्या होगा? ना आम के आम गुठलियों के दाम का क्या होगा? दोहरा लाभ होना। कि आपने आम भी खा लिया और आपने गुठलियों के भी पैसे ले लिए, तो क्या है? दोहरा लाभ होना। फिर है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे क्या होगा? स्वयं दोषी होने पर भी दूसरों पर रोब जमाना। कि स्वयं दोषी है फिर भी हम दूसरे को डांट रहे हैं, तो ये क्या लोकती है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। फिर है ऊंची दुकान फीका पकवान। कि ऊंची दुकान की नाम तो इतना अच्छा है, दुकान का बहुत फेमस है, लेकिन खाने की जो चीज़ें हैं वह अच्छी नहीं। केवल बाहरी दिखावा।
कि बाहर से अच्छा है लेकिन अंदर से कुछ नहीं, तो केवल बाहरी दिखावा। एक और एक ग्यारह होते हैं, तो एक और एक ग्यारह होते हैं तो इसका क्या होगा, एकता में बल। एकता में बल कि एक और एक क्या होते हैं, ग्यारह, तो इसका होता है एकता में बल है। फिर है एक अनार सौ बीमार, कि एक अनार है और खाने वाले उसे कितने हैं, सौ। तो वस्तु थोड़ी चाहने वाले ज़्यादा, कि वस्तु थोड़ी और चाहने वाले कितने हैं, वो ज़्यादा हैं। तो इस तरह से आपकी ये लोक्तियाँ होती है। अब हम आएंगे पर्यायवाची शब्द पर। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, पर्यायवाची शब्दों को हम समानार्थी शब्द भी बोलते हैं। जैसे हम धरती को जमीन भी कह सकते हैं, भूमि भी कह सकते हैं, और दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द। तो आपका पहला पर्यायवाची है अतिथि। अतिथि क्या होते हैं, आगंतुक। आगंतुक मतलब जो बाहर से आए हैं हमारे घर में, मेहमान और पाहुना, ये क्या है, अतिथि के पर्यायवाची हैं। फिर है अमृत। अमृत क्या है, अब देखो यहाँ पर एरो लगा हुआ है तो आप समझ लेना कि ये ऊपर नीचे हो रहा है। तो अमृत का है पीयूष, सुधा और सोम। पीयूष, सुधा और सोम। लेकिन जब हमने अमृत का अनेकार्थी में पढ़ा था, जब हमने पढ़ा था जल, सुधा और दूध, तो देखो वो अनेकार्थी थे अमृत के और ये क्या है, पर्यायवाची। तो आपको इस तरह समझना होगा। फिर है आग। आग का क्या होता है, अग्नि अनल पावक। अग्नि अनल पावक जो हैं वह आग के पर्यायवाची हैं। फिर है आकाश। आकाश को क्या बोलते हैं, नभ अंबर अंतरिक्ष आसमान गगन, यह सारे क्या हैं, आकाश के पर्यायवाची हैं। फिर आएंगे हम आँख की तरफ। आँख को क्या बोलते हैं हम बच्चों, नेत्र नयन चक्षु, ये क्या है, आँख के पर्यायवाची हैं। फिर है इंद्र। इंद्र को बोलते हैं हम सुरेश पुरंदर वासव, इंद्र के पर्यायवाची हैं ये। फिर है इच्छा। इच्छा क्या होती है, इच्छा होती है तृष्णा अभिलाषा कामना, कि ये क्या है, सारी हमारे इच्छा के पर्यायवाची हैं, क्या, तृष्णा अभिलाषा और कामना। फिर है कमल। कमल तो बिल्कुल आसान है, कमल है पंकज जलज और वारिज। जलज का मतलब होता है जो जल में होता है, जो कमल होता है वह जल के अंदर ही होता है। फिर है कामदेव। कामदेव होता है, कामदेव है मनोज मदन और अनक, तो ये कामदेव के पर्यायवाची है। फिर है खल। खल है धूर्त कुटिल और दुर्जन, तो खल के पर्यायवाची क्या है, धूर्त कि पूरा मतलब कपटी आदमी को बोला गया है, कुटिल और दुर्जन। दुर्जन मतलब पूरा व्यक्ति। अब हम पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। फिर है जिसका जन्म न हुआ हो, कि जिसका जन्म अभी तक नहीं हुआ वो कौन होगा, अजन्मा। कौन होगा बेटे वो, अजन्मा, जिसका जन्म ही नहीं हुआ है। फिर है जिसका कोई शत्रु ना हो, कि जिसका कोई शत्रु ना हो तो उसे क्या बोलते हैं हम, उसे बोलते हैं हम अजात शत्रु। क्या बोलते हैं, अजात शत्रु। फिर जो दिखाई न दे, जो दिखाई न दे वो क्या होता है, अदृश्य। क्या होता है, अदृश्य। जिसका अंत ना हो वह होता है अनंत। जिसका अंत ना हो अनंत। जिसकी उपमा न हो अनुपम, कि जिसको जो इतना सुंदर है कि जिसकी उपमा नहीं दी सकती, दी जा सकती, तो होता है अनुपम। फिर है जिसे पढ़ा न गया हो, तो जिसे पढ़ाना गया हो वह होता है अपठित। जैसे आपके वो पेपर में भी आता है अपठित गद्यांश, तो जो आपकी बुक में नहीं है, जो आपने पहले नहीं पढ़ा है, तो वो होता है अपठित। और पठित होता है जो आपने पढ़ा हुआ है। फिर है कम भोजन करने वाला। कम भोजन करने वाला क्या होगा, अल्पाहारी।
कौन होगा बेटे? वो अल्पाहारी। फिर है जिसका वर्णन न किया जा सके, कि जिसका वर्णन न किया जा सके, कि जिसका आप वर्णन नहीं कर सकते, वो है अवर्णनीय। कौन होगा? अवर्णनीय। फिर है ऊपर कहा गया उपयुक्त, क्या होता है उपयुक्त? तो ऊपर कहा गया उपयुक्त जो काम ना करे वो होता है अकर्मण्य। अकर्मण्य जो है जो काम न करे, जो कामचोर होता है उसे हम, जो ऐसे जो काम से जी चुराता है वह कामचोर होता है, और जो काम ना करे वो होता है अकर्मण्य। फिर है एकार्थक। एकार्थक क्या होते हैं? कि एक जैसे आपको लगते हैं लेकिन फिर भी दोनों का अलग अलग अर्थ होता है। जैसे अस्त्र। अस्त्र क्या होता है? जो हथियार हाथ में फेंक कर चलाया जाए, कि जो हथियार हाथ में फेंक कर चलाया जाए उस, वह क्या होता है? वह होता है अस्त्र। और जो हाथ में पकड़ कर चलाया जाए वह होता है शस्त्र। जो हथियार फेंक कर चलाया जाए, जैसे भाला हो गया तो वो हो गया क्या? हो गया अस्त्र। और जैसे तलवार हो गई तो वो हमारी हो गई शस्त्र। फिर है अभिमान। अभिमान क्या होता है? अपनी योग्यता के कारण स्वयं को श्रेष्ठ समझना, कि अपने अभिमान की उसमें योग्यता है, उसके कारण वह अपने आप को अच्छा श्रेष्ठ समझता है। अहंकार क्या होता है? घमंड। कि अहंकार क्या होता है? घमंड, कि मुझे उसे अपनी चीज पर बहुत घमंड है। फिर है अवस्था, स्थिति, कि उसकी अवस्था कैसी थी, कि उसकी स्थिति किस स्थिति में था वो। और आयु होती है उम्र, कि तुम्हारी आयु कितनी है। फिर है अनुमति, किसी कार्य के लिए सहमति देना। अनुमति मतलब किसी कार्य के लिए सहमति देना। जैसे आप कोई कार्य करने के लिए पूछते हो कि हम ये कार्य कर ले, तो अध्यापिका बोलती है ठीक है कर लीजिए, तो वो हो गई अनुमति। फिर है आज्ञा, बड़ों के द्वारा छोटों को कुछ करने को कहना। अगर आपके आपका भाई, बड़ा भाई आपको कुछ कह रहा है, आपके मम्मी पापा कुछ कह रहे हैं, तो वह क्या हो गई? आज्ञा। लेकिन आदेश क्या है? अधिकारी द्वारा अपने कर्मचारी को निर्देश। कि अधिकारी द्वारा, जैसे कोई ऑफिसर है वो अपने सर्वेंट को कोई आदेश दे, निर्देश देता है, तो वो होता है आदेश। क्या? आदेश का पालन करना बहुत ही जरूरी है। फिर है अभ्यास। अभ्यास क्या होता है? मानसिक श्रम। मानसिक श्रम, कि जो हम मानसिक रूप से काम करते हैं वो होता है अभ्यास। फिर है चेष्टा। चेष्टा होती है कोशिश, प्रयास पूर्वक कार्य करना। तो क्या होती है वो? चेष्टा। प्रयास पूर्वक कार्य करना क्या है? चेष्टा। फिर है अपराध। अपराध क्या होता है? कानून का उल्लंघन, कि जब हम कानून का उल्लंघन करते हैं तो वह क्या है? अपराध है। जैसे किसी ने किसी को चोरी की, मारा, ये करा, तो वो क्या है? अपराध है। लेकिन पाप क्या होता है? नैतिक एवं धार्मिक नियम तोड़ना, कि जो नैतिक नियम हम तोड़ते हैं, जैसे हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो यह क्या है? पाप है एक तरीके से। फिर है अमूल्य, जिस वस्तु का मूल्य न किया जा सके, कि जिसका आप मूल्य नहीं लगा सकते वह क्या है? अमूल्य। और जिसका बहुमूल्य क्या है? जिसका मूल्य अधिक हो, कि जिसे आप खरीद सकते हो लेकिन उसका मूल्य अधिक है, तो वह क्या है? बहुमूल्य। लेकिन अमूल्य क्या है? जिसका आप मूल्य नहीं लगा सकते। किसी व्यक्ति ने आपके लिए इतना ऐसा काम किया जिसको आप कभी उसका एहसान नहीं चुका सकते, तो वह होता है अमूल्य। फिर है खेद। खेद होता है गलती करने पर दुख प्रकट करना। कि गलती करने पर दुख प्रकट करना, कि जैसे आप कहीं जाते हो तो कहीं लिखा रहता है कि खेद है, कि आगे रास्ता बंद है इसके लिए हमें खेद है। कि गलती मतलब कुछ काम चल रहा है और उस पर वो दुख प्रकट कर रहे हैं। शोक होता है किसी की मृत्यु पर होने वाला दुख, कि किसी की मृत्यु हो गई है और आप क्या कर रहे हो? शोक, वो शोक है। फिर है दुख। दुख होता है सामान्य कष्ट, कि मुझे बहुत दुख हो रहा है, तो यह एक सामान्य कष्ट है। फिर है कलंक। कलंक होता है चरित्र पर दोष लगना, कि जैसे किसी के चरित्र पर कहते हैं कि इसका चरित्र अच्छा नहीं है, तो वो चरित्र क्या, चरित्र पर दोष लगना क्या है? कलंक। और अपयश क्या है? बदनामी,
कि किसी की बदनामी हो जाना, कि उसने चोरी कर ली, ये कर लिया, उसने मारा, तो वह क्या है? बदनामी। लेकिन जब हम किसी के चरित्र पर बात आ जाती है तो वह होता है कलंक। फिर है आपका नंबर 10 है कंगाल। कंगाल कौन होता है? भिकमंगा, कि जिसके पास कुछ भी नहीं है और दीन है, निर्धन, निर्धन दीन को बोलते हैं बहुत निर्धन, कि बहुत गरीब। फिर है श्रुति सम भिन्नार्थक। श्रुति सम, श्रुति मतलब सुनना, सम मतलब समान, जो सुनने में समान लगते हैं लेकिन भिन्नार्थक होते हैं, मतलब उनका जो अर्थ होता है वह अलग अलग होता है, कि सुनने में और लिखने में वह दोनों एक जैसे होते हैं लेकिन जो उनका मीनिंग होता है वह अलग होता है। जैसे अन्य दूसरा, कि इस कक्षा में अन्य 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 व्यक्ति कौन आया है, तो अन्य मतलब दूसरा। अन्न अनाज, जो आपका गेहूं चावल है वो इसमें अन्न में आते हैं। देखो अन्य और अन्न, थोड़ा ही अंतर है बोलने में लेकिन बिल्कुल अलग अर्थ पड़ रहा है। फिर है अंत, अंत मतलब समाप्त, और अंते नीच, अंते नीच। फिर है अंक, अंक अभी हमने पढ़ा था, अंक क्या होता है? गोद, और अंग होता है शरीर के भाग, जैसे हम बोलते हैं शरीर के अंगों के नाम, तो वो होते हैं अंग और अंक गोद। फिर है अंतर, अंतर अंतर क्या है? हृदय, हृदय, और अंदर भीतर, अंतर दिल हृदय, जो हृदय होता है उसे हम अंतर भी बोलते हैं, अंतर मन में, तो हृदय और अंदर भीतर। फिर है अचर जड़, और अचिर शीघ्र, शीघ्र मतलब जल्दी। फिर है अचार आम। फिर है आचार व्यवहार, कि उसका आचार, जो आचार व्यवहार है वह ठीक नहीं है, व्यवहार मतलब जो वो कार्य करता है उसका बर्ताव। फिर है अंबर, अंबर क्या होता है? आकाश, और अंबार ढेर, अंबर आकाश और अंबार ढेर। फिर है अभय निडर, और उभय दोनों, अभय क्या होता है? निडर, और उभय दोनों। फिर नाइन्थ में चलेंगे हम, अवधि, अवधि क्या होती है? समय, और अवधि अवध प्रदेश की भाषा, कि जो रामचरितमानस है तुलसीदास ने वह अवधि भाषा में लिखा है, तो अवधि क्या है? एक भाषा है, और अवधि समय है। फिर है अम्बा, अम्बा क्या होता है? अम्बा बोलते हैं माँ को, माता, और अम्बु जल, अम्बा माता और अम्बु जल। तो इस तरह से आपके जो हैं यह जो लघु व्याकरण है वह पूरे होते हैं। अब हम आपसे अगली कक्षा में मिलेंगे।